क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने की रेस में टीम इंडिया टॉप पर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट जीतकर ही टीम इंडिया इस चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। उसी इस जीत से 60 अंक हासिल हुए हैं। न्यूजीलैंड दूसरे, श्रीलंका तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। सौरभ गांगुली ने MS धोनी को लेकर दिया बड़ा बयान। गांगुली ने कहा, भारतीय क्रिकेट को इस बात को समझाना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा नहीं खेल सकते और वह लंबे समय तक टीम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, मगर मेरा मानना है कि यह फैसला धोनी को ही लेना होगा। खेल मंत्री रिजिजू ने कहा, BCCI डॉपिंग निरोध एजेंसी के दायरे में लाना बड़ी उपलब्धि। खेल मंत्री ने प्रेस ट्रस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा, निश्चित तौर पर BCCI क्रिकेट की संचालन इकाई है और क्रिकेट भी खेल है। देश में खेल के तमाम कानून और प्रावधान उस पर लागू होते हैं। मुंबई की टीम में शामिल हुए अर्जुन तेंदुलकर, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर को नागपुर में होने वाले बापूना कप के लिए मुंबई की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम की घोषणा मुंबई के क्रिकेट संघ ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर की, जिसका आयोजन विदर्भ क्रिकेट संघ करता है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।